अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अनोखा ही नज़ारा यात्रियों को देखने को मिला। यहां पर सुबह 8 बजे गोरखपुर से नौतनवा के लिए स्पेशल वुमेन ट्रेन रवाना की गई। स्पेशल का मतलब इस ट्रेन में लोको पायलट से लेकर गार्ड तक सभी महिला स्टाफ तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात TTE पुलिसकर्मी और सफाईकर्मी तक महिला स्टाफ की तैनाती की गई है। ट्रेन को नौतनवा तक ले जाने वाली गार्ड जागृति त्रिपाठी ने इस मौके पर खुश होते हुए कहा कि महिला दिवस पर महिला स्पेशल ट्रेन रवाना हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, महिला एयरफील्ड में आगे आ रही है। जी सही सर, हर फील्ड में महिलाएं आगे आ रही, रेलवे में भी आगे आ रही हैं और भी आगे आती रहेंगी। अच्छा लग रहा है, इस तरह का सपोर्ट मिलता रहे, सब लोग आप मतलब इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। कितना कठिन बात है महिलाओं के लिए सब जॉब को लेकर रेलवे में? सिर्फ प्रॉब्लम्स तो हर जॉब में होती हैं, ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है आप किस तरह से लेते हैं। तो जॉब तो मैं मानती हूँ जॉब जॉब है, आप किसी भी जॉब में करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी ही। वैसे आप अपना जॉब पूरी ईमानदारी से करिए, यही है। कोई भी जॉब है, आप जो भी आपको जॉब के लिए आपको जिस चीज़ के लिए रखा गया आप अपना काम करिए, बस जॉब तो जॉब होती है। कितने लोगों की टीम है जो इस ट्रेन को लेकर के? 3 लोगों की टीम है हमारी। लोको पायलट में है समता कुमारी, असिस्टेंट लोको पायलट श्रीनी श्रीवास्तव और गार्ड में जागृति त्रिपाठी में। हालांकि ये ट्रेन सवारी गाड़ी है लेकिन इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को उस समय खुशी का एहसास हुआ जब RPF की महिला विंग ने उन्हें गुलाब का फूल हाथों में देकर उनका स्वागत किया। लोको पायलट समता कुमारी ने बताया कि नौतनवा पैसेंजर लेकर वे जा रही हैं, साथ में गार्ड जागृति और सहायक लोको पायलट श्रीनी श्रीवास्तव ट्रेनी होंगी। इस मौके पर 182 हेल्पलाइन भी जारी किया गया है। ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं को इसकी जानकारी दी गई। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आज महिला दिवस है, वे सभी महिलाओं को बधाई देते हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज महिला दिवस के अवसर पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन नौतनवा के लिए चलाई गई है जो पूरी तरह महिला कर्मियों द्वारा संचालित है। जो महिलाओं का योगदान रेलवे के लिए या समाज के लिए है उसको प्रदर्शित करने के लिए इस तरह की व्यवस्था आज महिला दिवस के अवसर पर की गई है। आज बाकी मंडलों में भी एक एक ट्रेन महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही है। आइजट नगर मंडल में भी एक ट्रेन चलाई जाएगी, एक बनारस मंडल में। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से आज महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह एक प्रयास है रेलवे का कि महिलाओं के योगदान के प्रति हम लोग अपना आभार प्रकट कर सकें। कैसा आपल होगा क्योंकि इसमें सभी महिलाएं हैं, तो क्या इनको पहले से ट्रेन किया गया है या ये पहली बार मिलने की जा रही है? सभी महिलाएं, जैसे कि जो लोको पायलट है हमारी समता कुमारी, वो पहले से ही लोको पायलट है। जो असिस्टेंट लोको पायलट है श्रीनी श्रीवास्तव, वो भी पहले असिस्टेंट लोको पायलट का कार्य लगातार कर रही हैं। गार्ड हैं जागृति त्रिपाठी, उन्होंने भी यह कार्य किया हुआ है। और जो महिला सुरक्षाकर्मी हैं या कंडक्टर हैं वो सभी अपना कार्य कर चुके हैं। तो सबको एक जगह कंबाइन करके एक ट्रेन को इस तरह से चलाया गया है। किसी को अनुभव की कोई कमी नहीं है, ना तो किसी प्रकार की कोई इसमें समस्या आनी है। और उम्मीद है कि यह यात्रा जो अभी शुरू हुई है ये सबके लिए सुखद एवं मंगलमय होगी। आगे और भी इस तरह से महिलाओं का जो योगदान है रेलवे में, जितनी महिलाएं अभी हैं उसके हिसाब से जो शेड्यूल बन पाता है उसके अनुसार ये लोग कार्य करते हैं। सभी ट्रेनें या कोई भी एक ट्रेन पूरी तरह महिलाओं द्वारा मैन्ड हो, इतनी स्ट्रेंथ अभी हमारे पास नहीं है इस ग्रेड में, स्पेशली लोको पायलट ग्रेड में या गार्ड में। तो ऐसे में लगातार जिस तरह की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब महिलाओं का योगदान बढ़ेगा, महिलाएं और आएंगी रेलवे में गार्ड लोको पायलट के रूप में, तो निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था को आगे ले जाएंगे। रेलवे ने अपनी महिला कर्मचारियों पर भरोसा जताकर पूरी ट्रेन की कमान उनके हाथों में देकर उन पर एक विश्वास जताया है। इसके अलावा रेलवे के प्रति महिलाओं के आकर्षण को बढ़ाने के लिए इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, UP तक।